नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज। इस वक्त हम आए हुए हैं गुजरात के उस धाम पर जहां पर कहा जाता है कि लोगों के कष्ट दूर होते हैं, कष्ट भंजन हनुमान मंदिर सारंगपुर। जी हां, बागड़ और राजस्थान से बहुत सारे लोग यहां पर दर्शन के लिए आते हैं और उस धाम पर आज हम आए हुए हैं। यहां के धाम की विशेषता आपको बताने की जरूरत नहीं है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन आज हम यहाँ पर आकर आपको दिखाने जा रहे हैं कि यहाँ का जो महत्व है, लगभग 700-800 साल पुराना स्वामी नारायण भगवान के समय से यहाँ पर मंदिर की स्थापना हुई थी ऐसा बताते हैं, और उसके बाद में लोग यहाँ पर आकर अपनी मन्नतों को मांगते हैं और मन्नत पूरी होती है। और इधर आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ा विशाल भोजनालय यहाँ पर दिखाया जा रहा है। इस भोजनालय की विशेषता आपको हम बता दें कि इस भोजनालय में लगभग 2000 लोगों का भोजन एक साथ में बन सकता है, इतना बड़ा हॉल, इतना बड़ा भोजनालय है ये, और इसमें 5000 लोग एक साथ बैठकर खाना खा सकते हैं, इतनी बड़ी व्यवस्था है। सबसे बड़ी यहाँ की जो खासियत है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कहीं पर भी आपको कचरा या गंदगी नहीं मिलेगी। यहाँ के लोग जो हैं बिल्कुल इतने भाव वाले हैं कि आप यहाँ पर आते हैं तो आपकी आवभगत करते हैं और यहाँ पर आपको अच्छा मान सम्मान देते हैं और भगवान के दर्शन करवाते हैं। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुबह लगभग 5 बजे आरती होती है और 5 से लगभग 11 बजे तक भगवान का मंदिर खुला रहता है। इसके बाद में यहाँ पर भगवान का मंदिर कितने बजे तक खुला रहेगा और कितने बजे तक बंद रहता है। इसके अलावा बात करें यहाँ पर जो ठहरने की व्यवस्था है, तो ठहरने के लिए यहाँ पर एक व्हाइट हाउस और देख रहे हैं जो धर्मशाला है, यहाँ पर आप रुक सकते हैं। 500 रुपये में यहाँ पर आपको रूम दिया जाता है, एसी रूम अगर चाहिए तो आपको 800 रुपये में। इस तरह की यहाँ पर बहुत शानदार व्यवस्था, और वो भी एक होटल में जिस तरह से व्यवस्था होती है उस तरह से साफ सफाई वाले रूम्स यहाँ पर उपलब्ध हैं। एक व्हाइट हाउस इसको बोलते हैं जो भोजनालय है, और एक व्हाइट हाउस यहाँ पर जो ये बीच में आप ये व्हाइट हाउस बहुत ही शानदार बिल्डिंग बनी हुई है। इसके अलावा बात करें हम इधर वेद जो आप देख सकते हैं, वेदलन धाम धार्मिक स्टोर है, यहाँ पर सारे धार्मिक जो पूजा पाठ की सामग्री मिलती है, और ये इसका मेन गेट है, यहाँ से आप इसकी एंट्री ले सकते हैं। और बात करें हम इसके अलावा यहाँ पर बहुत बड़े बड़े गुरुकुल भी हैं, यहाँ पर पढ़ाया जाता है बच्चों को, सीधे हम आपको वहां पे भी लिए चलेंगे। और वहां पर जो स्वामी नारायण का मंदिर है, स्वामी नारायण के मंदिर का भी आपको दर्शन करवाते हैं, और वहां पर हमारे साथ में स्वामी नारायण भगवान के मंदिर की पूरी परिक्रमा, पूरा दर्शन और पूरा जो उसका इतिहास है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सीधे हम यहाँ से चलते हैं। एक बार और मैं आपको बताना चाहूंगा, इस मंदिर के बिल्कुल पीछे, भगवान के मंदिर के पीछे जो कष्ट भंजन हनुमान जी महाराज है उनके जस्ट पीछे एक बहुत ही बड़ी मूर्ति, विशाल मूर्ति लगी हुई है हनुमान जी की, वहां पर भी बच्चे जाकर दर्शन करते हैं और थोड़ा समय वहां पर भी बिताते हैं। हम सीधे चलते हैं स्वामीनारायण भगवान के मंदिर, वहाँ की क्या विशेषता है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। ये भगवान स्वामीनारायण की कुदरत से पावन हुई जो ये भूमि सारंगपुर की, यहाँ हम खड़े, ये 200 साल भगवान स्वामीनारायण ने जो संकल्प किया था 200 साल पुराना कि यहाँ मंदिर बनना चाहिए, तो भगवान स्वामीनारायण के संकल्प के मुताबिक ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज, जिसने BAPA संस्था की स्थापना की, उसने ये मंदिर बनवाया। भगवान स्वामीनारायण का ये संकल्प था कि जो ये सारंगपुर की ये भूमि है, ये भूमि का प्रताप इतना है कि इसके आसपास में 2 नदियां बस रही है, तो ये जो 2 नदी है उसके बीच में ये तट है ना, वहाँ भगवान स्वामीनारायण का संकल्प था। तो ये गुजरात में दूसरे नंबर पे आते ऐसा मंदिर है ये, और हाइट में, और ये 108 फीट ऊंचा ये मंदिर है। ये मंदिर की आयु हम देखें कि ये मंदिर 2016 में 100 वर्ष खत्म हुए, यानी अभी 2024 चल रहा है, तो 108 साल पुराना ये मंदिर है। मंदिर का दर्शन करते अखिल स्वामीनारायण संप्रदाय में ये मंदिर अद्वितीय और विशिष्ट मंदिर है। क्या है इस मंदिर में, तो वो हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, आइए। ये मंदिर में भगवान की यानी कि ठाकुर जी की 13 मूर्तियां है। अखिल स्वामीनारायण संप्रदाय में सबसे ज्यादा मूर्तियां यहाँ ठाकुर जी की है, और
हम यहाँ देह में देख रहे हैं भगवान, बीच में भगवान स्वामीनारायण है और इस पास भगवान स्वामीनारायण के उत्तम भक्त जो है वो गुणादितानंद स्वामी वो विराजमान है, इसके पास गोपालानंद स्वामी कि जिसने यहाँ जो हमारे कष्ट भंजन जी महाराज का मंदिर है वो मंदिर में जो मूर्ति प्रतिष्ठा जिसने की है ये गोपालानंद स्वामी है, और इसके पास जो हम देख रहे हैं भगवान स्वामीनारायण के बाल स्वरूप, आइए ये भगवान स्वामीनारायण की छोटी उम्र का ये स्वरूप है हरि कृष्ण महाराज करके, पास में जो है वो भगवान श्री कृष्ण और राधिका जी उसका दर्शन हम कर रहे हैं, इसके पास भगवान स्वामीनारायण के पास उसके अंगद सेवक थे जो जीवन भर भगवान स्वामीनारायण के साथ में रहते थे वो मूलजी ब्रह्मचारी है, तो अखिल स्वामीनारायण संप्रदाय में मूलजी ब्रह्मचारी की मूर्तियां यानी भगवान स्वामीनारायण के पास में विराजमान की हुई है, और इसके अलावा यहाँ भी भगवान की मूर्ति है, आइए ये भगवान स्वामीनारायण का पूरा धर्मकुल है, ये भगवान स्वामीनारायण बीच में घनश्याम महाराज के नाम से विराजमान है और पास में धर्मदेव यानी भगवान स्वामीनारायण के पिताजी और इसके पास भक्ति माता यानी भगवान स्वामीनारायण के मातुश्री, और यहाँ इस तरफ भगवान स्वामीनारायण के दो भतीजे अयोध्या प्रसाद जी महाराज और रघुवीर जी महाराज का स्थापन यहाँ किया है। ये पूरा मंदिर में एक विशिष्टता ये है कि चार अलग अलग प्रकार की मूर्तियां के प्रकार है, देखिए हम ये जो दर्शन कर रहे हैं ये आरस से बना हुआ है यानी पत्थर की मूर्तियां है पाषाण, इसके पास हम दर्शन कर रहे हैं स्वामीनारायण के बाल स्वरूप घनश्याम महाराज की मूर्ति है, ये मूर्ति की विशिष्टता पूरे कास्ट में से बनी हुई है, जब भी मंदिर का काम चल रहा था तभी एक छोटे प्रकार के मिस्त्री यानी उसको तो ओनली दरवाजा खिड़की वो उसकी कला थी, लेकिन जो ये मंदिर की स्थापना शास्त्री जी महाराज ने की है जो भगवान स्वामीनारायण के तृतीय वारसदार है, तो भगवान स्वामीनारायण के तृतीय आध्यात्मिक वारसदार शास्त्री जी महाराज ने एक वो मिस्त्री को बताया कि आप ये मूर्तियां बनानी है तो आप बनाओ, उसने बताया कि स्वामी जी मेरे पास तो कुछ ये इस प्रकार का अनुभव नहीं है मैं कैसे मूर्ति बनाऊंगा, तो शास्त्री जी महाराज ने बताया कि आप चालू करो भगवान की प्रेरणा से सब कुछ हो जाएगा, और ये भगवान स्वामीनारायण का आशीर्वाद और शास्त्री जी महाराज का कृपा दृष्टि से ये भगवान स्वामीनारायण का बाल स्वरूप घनश्याम महाराज जो अद्दल हम दर्शन करते हैं तो इतना प्रभावशाली और दिव्य व्यक्तित्व का हम दर्शन कर रहे हैं, हम देखेंगे तो आपको भी सभी को आश्चर्य रहेगा कि ये कितनी सुंदर मूर्तियां है, यहाँ जो बीच में हमने दर्शन किया वो पूरी धातु की मूर्ति है, और यहाँ बीच में चित्र प्रतिमा पट की मूर्ति हम लोग बताते हैं, तो भगवान स्वामीनारायण से लेकर अभी जो भगवान स्वामीनारायण के छठे वारसदार जो है महंत स्वामी महाराज वो पूरी गुरु परंपरा का यहाँ स्थापन किया गया है, हम सभी का दर्शन यहाँ कर पाते हैं, तो ये मंदिर की भव्यता और दिव्यता है, भगवान स्वामीनारायण ने जो संकल्प किया था उस संकल्प पूर्ण करने के लिए जो शास्त्री जी महाराज ने परिश्रम किया उस तरफ वहाँ 108 साल पुराना कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, लेकिन बिना टेक्नोलॉजी बाहुबल से ये शास्त्री जी महाराज और उसके साथ जो छोटे भक्त लोग थे बहुत कम संख्या में थे, फिर भी ये इतना बड़ा मंदिर हम दर्शन कर रहे हैं कि इतना बड़ा मंदिर उसने बनाया है। हाँ वहाँ हम चलते ये प्रमुख स्वामी महाराज का स्मृति मंदिर है, तो प्रमुख स्वामी महाराज का नाम तो सब लोग जानते हैं, प्रमुख स्वामी महाराज ने 2016 में अपना अंतिम श्वास लिया अगस्त महीने में, उसका बड़ा स्मृति मंदिर यहाँ है, हम वहाँ भी
साथ में रोजा घोड़ा, उस पर बैठ के भगवान स्वामीनारायण ये भूमि पर पधारे थे। और तभी ऐसा प्रसंग बना था, ये भूमि पे आके भगवान स्वामीनारायण ने जो उसका रोजा घोड़ा है उसको 3 बार गोल गोल घुमाया, और भगवान स्वामीनारायण ये जो घुमाया तो बाद में भगवान स्वामीनारायण को ये जो संत लोग थे उसने पूछा कि महाराज ये आप क्या कर रहे हो, तो भगवान स्वामीनारायण ने तभी बताया कि यहाँ हमने ये भूमि का खात विधि किया है, यह हम बड़ा मंदिर बनाएंगे। तो भगवान स्वामीनारायण के संकल्प से ये भूमि का खात विधि हुआ था, और बाद में ब्रह्म शास्त्री जी महाराज ने ये मंदिर की स्थापना। ये जो मंदिर है ये प्रमुख स्वामी महाराज का स्मृति मंदिर है, ब्रह्मस्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज अगस्त 13, 2016 में अपने पार्थिव देह का त्याग करके वो अपने स्वधाम पधारे, अक्षरधाम में पधारे। तो ये बहुत पवित्र और संकल्प पूर्ति का ये स्थान है। ब्रह्मस्वरूप महंत स्वामी महाराज उसने ये मंदिर की खात विधि की थी 2018 में, तभी महंत स्वामी महाराज ने ऐसा बताया था आशीर्वचन में कि यहाँ जो भी लोग आएंगे उसका सभी संकल्प पूर्ण होंगे। यहाँ परिक्रमा का बहुत महिमा है, जो भी हम संकल्प शुभ संकल्प करते हैं वो सभी पूर्ण होते, वो मेरा जीवन का भी अनुभव है और दूसरे सारे भक्तजनों का अनुभव है। हम यहाँ दर्शन करेंगे, यहाँ भगवान स्वामीनारायण का जो आध्यात्मिक वारसदार, भगवान स्वामीनारायण के पंचमे वारसदार जो प्रमुख स्वामी महाराज, उसका अस्थि भी बीच में सुवर्ण कलश में रखी गई है। हम ये मंदिर की एक और विशेषता ये है कि यहाँ जो सभी दरवाजा जो रखा है, ये दरवाजा पूरा ग्लास का, कांच का किया है। ऐसा क्यों? तो सामने हम देख रहे हैं ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज का स्मृति मंदिर है, जो प्रमुख स्वामी महाराज के गुरुदेव थे। प्रमुख स्वामी महाराज का जो ये स्मृति मंदिर, जो अग्नि संस्कार स्थान है, तो प्रमुख स्वामी महाराज का संकल्प था, और उसने 2014 में सभी संत गण थे उसको बताया था कि मेरा अग्नि संस्कार यहाँ करना। इसका रहस्य क्या है कि मेरा गुरुदेव है, उसकी दृष्टि मेरे पर कायम बनी रहे और मेरी दृष्टि भगवान के सन्मुख कायम बनी रहे। तो वो हिसाब से भगवान स्वामीनारायण की दृष्टि और शास्त्री जी महाराज की दृष्टि मेरे पर बनी रहे, वो बातें के लिए प्रमुख स्वामी महाराज का अग्नि संस्कार का स्थान यहाँ प्रमुख स्वामी महाराज ने निश्चित किया था। तो हम वो सोच सकते हैं कि प्रमुख स्वामी महाराज ने तो पूरे विश्व में इतना बड़ा बड़ा कार्य किया है, और सभी लाखों करोड़ों लोग प्रमुख स्वामी महाराज के भक्त थे, फिर भी प्रमुख स्वामी महाराज ने ऐसा बताया कि मैं तो भगवान और गुरु जी का सभी दास ही हूँ। तो ये उसके जो जीवन में भगवान के प्रति और अपने गुरु के प्रति जो भक्ति थी, उसका एक अप्रतिम ये स्थान है कि हमारे जीवन में जो भी सिद्धि आप प्राप्त करें, चाहे आकाश में भी उड़ने लगे, फिर भी भगवान और उसके गुरु जो हमारे है उसका उसकी कृपा से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ये प्रमुख स्वामी महाराज का ये स्थान हमको प्रतीत कराते हैं। हम जो ये दर्शन कर रहे हैं प्रमुख स्वामी महाराज के गुरु जी और बीएपीएस संस्था के स्थापक ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज के दर्शन कर रहे हैं। ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज का 1981 में ये मंदिर प्रमुख स्वामी महाराज ने बनवाया है। ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज का ये प्रिय स्थान था सारंगपुर, तो ये सारंगपुर में उसका अग्नि संस्कार किया था। और ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज जो बीएपीएस संस्था के स्थापक थे, तो ये बीएपीएस संस्था की स्थापना उसने क्यों की? तो भगवान स्वामीनारायण ने वचनामृत, जो भगवान स्वामीनारायण के परावाणी जैसा ग्रंथ है, भगवान स्वामीनारायण ने जो ज्ञानोपदेश किया है कि जो हमारे पूरे जीवन में हम कैसे जी पाए और अच्छी तरह से आध्यात्मिक साधना कैसे कर सके, वो सरल भाषा में और एक पूरा आध्यात्मिक शास्त्रों का सार रूप जो ग्रंथ है, ये वचनामृत में किया है। तो ये वचनामृत जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ में जो भगवान स्वामीनारायण ने सिद्धांत दिया है कि हमारा भारतीय सिद्धांत क्या है, वेदों शास्त्रों पुराणों, हम जो पूरे जीवन में जो अभ्यास नहीं कर सकते,
वो अभ्यास भगवान स्वामीनारायण ने छोटी आयु में 8 साल की आयु में किया था। और काशी जो हम सुन रहे हैं कि विद्वत नगरी है, वहां भगवान स्वामीनारायण का 8 साल में विद्वानों के साथ चर्चा शास्त्रार्थ हुआ था। तभी भगवान स्वामीनारायण ने अपना मत प्रस्थापित किया था। वो मत के पूरा डिटेलिंग जो वचनामृत में किया है, वो वचनामृत के हिसाब से भगवान स्वामीनारायण का जो सिद्धांत था, वो सिद्धांत ब्रह्मस्वरूप शास्त्री जी महाराज ने मूर्तिमान किया। तो ये शास्त्री जी महाराज, उसने बीएपीए संस्था की स्थापना की और ये उसका स्मृति मंदिर है। यहाँ सारंगपुर जो बीएपीए संस्था का जो ये कैंपस है, उसमें ये हमने 3 मंदिर का दर्शन किया। यहाँ पास में ही एक बड़ी गौशाला है जहाँ राष्ट्रीय कक्षा के अवार्ड्स प्राप्त किए हुए यहाँ पशुधन है। हम वो देख के भी आश्चर्य में गरका हो जाते हैं कि ये कितना बड़ा बड़ा पशुधन है। बहुत अच्छी तरह से यहाँ सार संभाल लिया जाता है। और यहाँ सामने जो है ये संत तालीम केंद्र है, जो बीएपीए संस्था में जिसको साधु दीक्षा लेंगे, त्यागाश्रम की दीक्षा लेंगे, उसको पहले पूरे विश्व में से यहाँ आते पूरे 7 साल की ट्रेनिंग मिल जाती है। और 7 साल की ट्रेनिंग मिल जाए, बाद में महंत स्वामी महाराज जहाँ भी उसको आज्ञा दे कि आपको यहाँ जाके समाज की सेवा में जुड़ना है, तो वहाँ जाके ये जो संत लोग है वो समाज की सेवा में जुड़ जाते हैं। हम तो कई बार सुन चुके हैं कि ये बीएपीए संस्था ने ये रिलीफ वर्क किया, यहाँ भूकंप आया तो यहाँ किया, ऐसे बारिश हुई, पूर होना रहा हुई, तो सभी जगह पे बीएपीए संस्था पहुंच जाती है। तो उसके पाया में जो हम नींव में बोलते हैं कि उसके नींव में ये संत लोग की बड़ी सेवा है। ऐसे तो हम सोचते हैं कि संत लोग बनते तो फिर क्या करना है, खा पी के आनंद करना है, लेकिन ऐसा ये बीएपीए संस्था में नहीं है। ये बीएपीए संस्था के जो संत लोग है वो पूरा एजुकेटेड होते हैं और ये समाज की सेवा में ही पूरे रत रहते हैं। तो ये संत तालीम केंद्र है कि 7 साल उसको पूरी अच्छी तरह से बहुत कठिन ट्रेनिंग रहती है और एक दिन भी हम सोच नहीं सकते कि हमारे जैसा जो लोग है को वो ट्रेनिंग कर सकते हैं। बहुत कठिन परिश्रम वाली ट्रेनिंग होती है। तो ये ट्रेनिंग सेंटर है। पास में यहाँ संत, जैसे संत तालीम केंद्र के हमने परिचय लिया, वैसे ही यहाँ संस्कृत महाविद्यालय है। इसके पीछे जो हम देख रहे हैं संस्कृत महाविद्यालय जो है वो भी बहुत अच्छा एक एजुकेशन सेंटर है। वहाँ सभी देश प्रदेश के युवाओं अपनी 12वीं कक्षा के बाद यहाँ एजुकेशन प्राप्त संस्कृत में करने के लिए आते और पीएचडी वगैरह संस्कृत में आगे बढ़ते और कंप्लीट करते हैं। ये हमारी जो भाषा है संस्कृत, ये दिन प्रतिदिन यूज में कम हो जा रही है, सभी लोग भूलते जा रहे हैं, लेकिन ये संस्कृत का यहाँ जो एजुकेशन, ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है, तो वहाँ उसका शिक्षण मिलता है। इसके जो ये शास्त्री जी महाराज का स्मृति मंदिर है, इसके पीछे युवा तालीम केंद्र है जो सभी युवाओं को एक 6 महीने की ट्रेनिंग मिलती है, यूथ एक्सलेंस सेंटर। तो सर्वांगी जीवन बेहतर हो जाए, जो युवाओं अपने एजुकेशन कंप्लीट हो जाए 20 साल के बाद और 27 साल के पहले, 27 साल के पहले, तो वो आते और यहाँ पूरा उसको ट्रेनिंग दी जाती है 6 महीने के लिए और सभी सर्वांगी जीवन बेहतर हो जाए, ऐसा ट्रेनिंग सेंटर यहाँ है। और उसका एक फर्स्ट स्टेप ये है कि अपने पास 6 महीने तक मोबाइल नहीं रखना है। अभी युवाओं में तो बहुत ये क्रेज चल रहा है, मोबाइल के बिना तो चल ही नहीं रहा, भोजन ना मिले तो चलेगा लेकिन मोबाइल तो चाहिए ही। ये अभी युवाओं की एक विशेषता है, लेकिन ये युवाओं जो यहाँ ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं हर साल, तो युवाओं ट्रेनिंग के लिए आते हैं, जैसे इंटरव्यू होती है उसका प्रोसेस रहता है, लेकिन ये 1 ईयर में, 1 साल में करीब 800 जैसा फॉर्म आता है, इसमें से फिल्टर होके यहाँ युवा को पसंद करते और बाद में उसकी ट्रेनिंग मिलती है। और ये जो हम सहारनपुर की दिव्यता भव्यता का जो दर्शन कर रहे थे, सभी लोग का ऐसा अनुभव रहा है कि हम यहाँ दर्शन करने के लिए जैसे आते हैं ना, तो ये कैंपस में एंटर होते हैं ना, तभी से हमारा पूरा मन शांत हो जाता है।
भगवान स्वामीनारायण ने वचनामृत में नैमिषारण्य क्षेत्र का उल्लेख किया है कि जो नैमिषारण्य क्षेत्र है तो वहां हम जाते हैं तो मन की वृत्तियां कुंठित हो जाती है। तो ऐसी ये पवित्र भूमि है और पूरे विश्व में जो बीएपीएस संस्था के आश्रित होते हैं, मोहन स्वामी महाराज के जो अभी आश्रित है, वो हर रोज भगवान स्वामीनारायण की आरती के बाद शाम को अष्टक जो गाते हैं उसमें एक अष्टक है, सदैव सारंग पुरस्य रम्ये सुमंदिरे अक्षरधाम तुल्य। ये जो स्थान है ये अक्षरधाम तुल्य स्थान है, वो प्रतीक सब लोग पढ़ते हैं। मैं भी यहाँ 10 साल से युवा तालीम केंद्र में सेवा दे रहा हूँ। मेरे गुरुजी परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज और महंत स्वामी महाराज की आज्ञा से मैं यहाँ सेवा दे रहा हूँ। मेरा नाम हरि कृष्ण मेहता है। जैसा कि हमने आपको जो आज कष्टभंजन हनुमान मंदिर की जानकारी दी सारंगपुर की, यहाँ पर हजारों लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं और दर्शन करते हैं। देख सकते हैं हनुमान जी की विशाल प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है, जहाँ पर हजारों की संख्या में प्रतिदिन श्रद्धालु आकर दर्शन करते हैं। आप अगर राजस्थान से आ रहे हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा से, तो आपको सीधा रास्ता यहाँ से अहमदाबाद आना पड़े, अहमदाबाद से बोटाद होते हुए आप सीधा सारंगपुर आ सकते हैं। लगभग 370 किलोमीटर डूंगरपुर सागवाड़ा उस एरिया से यहाँ की दूरी है और यहाँ आप आकर एक स्वर्ग की अनुभूति ले सकते हैं। सागवाड़ा लाइव न्यूज ब्यूरो से जितेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। अगली खबर लेकर और ऐसी नई नई जानकारी लेकर शीघ्र हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।